नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रतापगढ़ से। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे सरकार की योजनाएं, जन चौपाल कार्यक्रम में उमड़े लोग। जी आपको बता दें, प्रतापगढ़ केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं, जमीनी हकीकत जानने के लिए कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधे संवाद किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचे। अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाएं। शिकायत आने पर किसी को बख्शा ना जाएगा। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, कौशाम्बी सांसद, संसदीय आचार समिति, लोकसभा के सभापति, दादर नगर हवेली एवं दमनदीप के प्रभारी विनोद सोनकर मंगलवार को रामपुर विकास खंड क्षेत्र के रायपुर भटनी, बसंत राय जसमेड़ा एवं महमूदपुर चारपुरा गांव में जन चौपाल में आए हुए उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहें। सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि मेरे पहले इस देश में 14 सांसद हुए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र की जनता कहती है कि आप पहले सांसद हैं जो गाँव गाँव आकर सीधे जनता से मिल रहे हैं। आपको बता दें, मोदी योगी की सरकार आम जनमानस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में लगी हुई है। यही नहीं, आज केंद्र व प्रदेश सरकार की प्रत्येक योजना गांव तक पहुंचे। अब सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भेजती है। अब बिचौलियों की दाल नहीं गलती है। आज कोई ऐसा गांव या पुरवा नहीं जहां सरकार की योजनाएं ना पहुंची हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुफ्त राशन योजना को पुनः बढ़ा दिए हैं, जिससे सीधे सीधे देश का गरीब परिवार लाभान्वित होगा। जन चौपाल में मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारी भी साथ चल रहे हैं। सांसद ने सामाजिक समरसता भोज खिचड़ी कार्यक्रम में आगामी 14 जनवरी को क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, जिला उपाध्यक्ष राजन मिश्र, कमलेश सोनकर, सांसद मीडिया प्रभारी भूपेंद्र पांडे, खंड विकास अधिकारी अश्वनी सोनकर, उदय शंकर पांडे, अभय प्रताप सिंह पप्पन, ओम प्रकाश पांडे, गुड्डू दिनेश मणि त्रिपाठी, योगेंद्रनाथ मिश्र मौला, शीतलाल प्रसाद सोनकर, रामकुमार कोरी, बबलू मिश्र, पप्पू जायसवाल, महेश सिंह, फौजी संतोष सिंह, रमेश टाइगर, जयराम यादव, प्रधान संतोष यादव, अजय निर्मल, पुंडरीक मिश्र, भट्टे मिश्र, राम सहाय वर्मा, फूलचंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आपकी खबर हमारी नजर। सर, आपके द्वारा जन चौपाल लगातार जगहों पर गांव में पहुंचकर किया जा रहा है, अधिकारियों को आदेशित भी किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, किन तरीके से किया जा रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के द्वारा जो गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित पीड़ितों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचे उसकी समीक्षा भी कर रहा हूँ। जो पात्र लोग नहीं पाए उनको मिले, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। क्या इससे कोई चुनाव पर भी जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या इस तरीके से भी कोई भाव? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के बीच में गांव में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी गांव के गरीब का, किसान का, मजदूर का विकास चाहती है। इनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। जो पात्र है उसको योजना का लाभ मिले, उसको लेके जाती है। ये और राजनीतिक दलों का कार्यक्रम होगा कि वो चुनाव के समय ही केवल मतदाता को याद करते हैं। ये हमारे मतदाता नहीं, हमारे देश के बंधु हैं, हमारे अपने लोग हैं, और सरकार की योजनाओं को लाभ मिले इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लगातार मैं लगा हूँ, इससे योजनाएं जमीन पर पहुँचे।